दूसरे भगवान जी प्यार से, बहुत प्यार से, ओए ओए गिर ना जाए, ओए बहुत ध्यान से, बहुत बहुत प्यार। मैं हूं कमल कमल अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपने से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले से सब्सक्राइब कर लें। कितना छोड़ डाला है बबू ने, दूध वाला है वो, बेल देके जा रहा था, उसे कह रहा अंकल रुके रुके आजू आ रहा है। तो मैंने ना मोबाइल की टॉर्च ऑन की है व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बल्ब जो है वो खराब हो गया, एक तो एक की रोशनी जो है बहुत कम है, इसलिए फिर मुझे लगा कि अंधेरा है। बिल्कुल गाइस आज बहुत काम है कसम से, देखें अभी अमेरिका से दूध लॉन्च करा के लाए हैं। वो नीचे बहुत शोर कर रहा अंकल रुके अंकल रुके। तो जनाब जू गई हुई थी मलेशिया, वहाँ पे ना कहती है कि वो गई किसी जगह ना, कोई बहुत ही बड़ा मंदिर था, कहती बहुत बड़ा मंदिर, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी। तो वहाँ पे जाकर उसने मेरे लिए व्लॉग बनाया, वो व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो शायद इंडिया में ही होंगे, लेकिन ऐसे मतलब हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी काफ़ी हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा मंदिर था। तो मैंने कहा बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो हैं वो मुझे जो देखते हैं वो इंडिया से देखते हैं, तो वो ज़रूर खुश होंगे व्लॉग देख के। थैंक यू सो मच जू, वो मैं अब शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप बताइएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि तूने कैसा व्लॉग बनाया। तो चले आज के व्लॉग में देखते हैं क्या क्या बनता है। चलो आशीर उठ जाओ, उठ जाओ, तीसरे बटन तक दाढ़ी आ गई, उठ जाओ चले। सलाम अलैकुम। वालेकुम अशरफ भाई, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम जा रहे हैं खुफिया गली में जी, इधर करोड़ों दिलों की चाहत, ठीक है, बड़े दिन बाद करोड़ों दिलों की जान, चाहत फदील खान, ऑल द वे फ्रॉम पिंडी। हम बीमार मेरे मुंह पे चल रहे एक जी गाइस, इसी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आता, देखें खड़े कितने हैं, दस दस बंदा है। मैं इसीलिए कश्मीर में रहता हूँ, कश्मीर में, हमारे कश्मीर में कोई रोड गंदी नहीं है। माशाल्लाह रौनक लाइया ने, रोशनी मारो रोशनी। तू पहनने की क्या तू है, सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है, एक एक हाथ पे सर्दी पड़ी है, देखना अभी वो फनकारी क्या मार रहा है। लोग कहेंगे अमीर लोग, वो तुम्हारी शक्ल से अमीरी लटक रही है। तो जनाब ये पूरी आवाम जो है ना, ये पूरी आवाम ये वॉशिंग मशीन लेने आई है आज, हमने कहा फाइनली आज लेके ही जाएंगे, थोड़ा टाइम से निकल आए हैं और देखते हैं अब शॉप ओपन हो। बस यार इस बस वाले ने मुझे डरा दिया पों करके इतनी ज़ोर से, शुक्र है शॉप ओपन है आज। मैंने ये पिद्दी से लेनी है। तो जनाब डॉलेंस की जो है बहुत ही महंगी है, एल ई डी नहीं लेनी, मशीन देखनी, मशीन देखो आप, जो चीज़ लेने आए वो पता करो, एल ई डी की पता करो। अच्छा जनाब फिर ऐसा करते हैं ये वाली ले लेते हैं, ये थोड़ी कम प्राइस की है, क्या कहती है सोनिया ये वाली? लेना वो छोटा, तो गाइस फ्रिज भी ले, पसंद आ गया, अच्छा खासा है ना। हाँ ये बड़ा फ्रिज है ना, ये अच्छा लग रहा है यार। ये फाइनल बता रहे हैं 54 की और ये फाइनल बता रहे हैं कितने की, 47 की, 43 की, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। गाइस ये डन हो गया, पैसे में दे दो। नहीं ना पैसे नहीं है ना इतने गाइस मेरे पास, जितने पैसे हैं फिर वो ले लो। इसका काम करें ना कुछ, 46 ठीक हो गया। लिए हमने ये वाली मशीन ले ली है, ये 56 की थी, इन्होंने 49,500 की दे दिया हमें, क्योंकि ये लोग मुझे इतना कंफ्यूज करे, ये ना लो वो ना लो वो ना लो, अभी इन्होंने मुझे इतना तंग किया कि मुझे अब ये लेनी पड़ रही है। तो ये मैंने ले ली है जनाब मशीन, ये भी वो चेक करवाएंगे ना। Just looking like a wow. सही क्या है? नहीं 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 बस 40 कर रहा है। गलत गेंद अंदर दिखा। गिरने ही नहीं आता पता। गरीब लोग गरीब लोग। मुझे इतना पता है गेंद। जी मैं पसंद ये वाली करके गई थी, लेकिन इसका जो स्पिनर है ना मैं आपको दिखाऊँ, ये स्टील करंट लग जाता था। मैंने कहा करंट ही ना लगता रहे, ये थी थोड़ी सस्ती थी उससे, फिर वहाँ के ये पसंद आ गई तो ये वाली, फिर मैंने सोचा यही ले डालो।
अगर हमें यहाँ से मशीन ले जाने के लिए कोई कन्वेंस मिल जाए तो फिर हम मशीन ले जाएंगे। वैसे घर तो करीब है लेकिन उठा के तो नहीं जा सकते। और इन्होंने भी शुक्र किया, हम शॉप से निकले साथ ही, अभी शॉप अपनी बंद करने लगे हैं। लास्ट कस्टमर इनके हम ही थे। अब ये कह रहे हैं रिक्शे में, मुझे लगता नहीं है कि रिक्शे में आएगी। वो शॉप वाले कह रहे हैं रिक्शा ले आओ, हम रखवा लेते हैं। ठीक रहे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, प्यार से रखे। बहुत महंगी है, सांस सांस अड़ा हुआ मेरा इसके अंदर। चलो बैठो, ले लो फिर, ले सकने होंगे। चलो मोटी मुझे भी ले जाओ साथ, क्या करते हो। ये तो है, ये हमारा घर। हाँ घर तो बिल्कुल साथ ही है गली में हमारे। चले जी, आपको कंपनी देते हैं ना कि आप अकेले बोर होते हैं। हाँ ये मैं फ्रेम में लगा हूँ कहता हूँ कि आप याद रहेगी कि दोबारा आप इधर रक्षे में खड़ा हुआ ना, अगर बैठी ना तो आप रोऊंगा उधर। भाई मैं स्टोरी सुना रही हूँ कि कोई इनकी रक्षे में बैठा है, कोई लेडीज इनके रिक्शे में बैठे, काफ़ी आगे जाके उतर गई और उन्होंने सिर्फ 50 रुपये दिए। और उन्होंने वो 50 रुपये संभाल है, वो कह रहे मैं संभाल करूँगा, उन्होंने कहा मैं ये खर्च नहीं करूँगा। सौ भी नहीं देते, 80 तो दो। यही बात, वो गली नीचे गए, एक ऐसे उल्टे हाथ मुड़े, फिर एक सीधे हाथ मुड़े, फिर जाकर मैडम साहब का नारा आगे जाके आया। और आपको उन्होंने 50 रुपये दिया, 50 रुपये दिए। 50 रुपए की आजकल बच्चे भी चीज़ नहीं खाते, चीज़ आती ही नहीं है, खाते क्या, जूस भी 60 का हो गया। सही बात है। पीछे हटो बाबू, पीछे हटो बाबू, पीछे हटो। किधर हाथ लगाओ, जरा साथ उसको हाथ लगाओ, किधर मशीन को हाथ लगाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा नीचे करो आगे से, ऐसे ऐसे सही जा रहे, सही जा रहे, वेरी नाइस वेरी नाइस। हो गया जी, हो गया। ये फाइनली मैं अपनी वॉशिंग मशीन ले, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब थी और कपड़ा धोना एक अजाब था मेरे लिए। मतलब चलती है लेकिन वो गुजारा करती है, स्पिनर भी ख़राब हो गया था उसका, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मशीन ले ली है और अब खिजर जो है इसकी ओपनिंग करने लगा है, तो तालियाँ। अच्छा मशीन जो है वो काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह, फुल साइज़ की ले ली है। सूप के पैसे नहीं बचे, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आशीन ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि पैसे जितने थे उसे एक्स्ट्रा ही लग गए, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी आ गई है। शॉपर की ओपनिंग कर देते हैं, नहीं शॉपर रहन दे, शॉपर रहन दे पागला। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, ये इनका अपना है। इनको ना ऐसे बबू का इसमें बांध कर दे, बंदा निकल ही ना सके बाहर। बस ठीक हो गया, इसी में रहो। कंट्रोल ये आप फिर आपके लिए देखिए मैं कहाँ आई हूँ। आपके लिए मैंने बनाई है, एक भगवान जी है, सॉरी मुझे इनके नाम नहीं पता, दूसरे भगवान जी, इनकी आरती हो रही थी और इनको पता नहीं क्यों ज़रूरत पड़ गई मुझे टीका लगाने के लिए।
इनके भगवान जी, इतना बड़ा मंदिर है। ओ हाँ, और सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। मैं आपके लिए वीडियो बनाई थी अनदर, इसको क्या कहते हैं, गौ माता। ये तो अच्छे हैं यार, बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए लाइट्स भी ऑन कर दिया। सी दैट्स हाउ इट इज। ओह कितना मैं ब्लश कर रही हूँ। और ये सारी वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ, सिर्फ आपके लिए। सो थैंक्स लेटर। चलें जी, ये व्लॉग ज़ू ने मेरे लिए और आप सबके लिए बनाया था। वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।